हमारी सोसाइटी ही अलग है. वी लिव इन एन ओवरटली मेल डोमिनेट सोसाइटी जहां लड़कों को यह सोच दी जाती है कि वो लड़कियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल है. और शायद इसीलिए इवन इन दीज प्रोग्रेसिव टाइम्स कुछ लड़के लड़कियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हर तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी ईगो कुछ इस तरह हर्ट होती है कि वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं. आज की हमारी स्टोरी एक ऐसी लड़की की जिसने इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को टक्कर देने की कोशिश की. बट व्हाट वर द रिपरकशंस, आइए देखते हैं. कितनी खुशकी हो गई है. आपको पता है हफ्ते में 2-3 बार ना गरम तेल से मालिश करवानी चाहिए. ये लो, कर लो बात. चित्रा के पार्लर में कभी भीड़ ना हो ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं. क्या चाची जी, शादी का सीजन है ना, बस इसलिए. आप 2 मिनट वेट कीजिए ना, हम अभी आते हैं, प्लीज. Okay. चित्रा दीदी, हम चलते हैं. अरे गौरी, बस 2 मिनट, चाची जी का फुट मसाज कर दो ना, प्लीज, हमने टाइम लिया है. थैंक यू. लाइए आंटी जी, पैर दीजिए. तुम रहने दो. क्या हो आंटी जी, आप क्या हमसे पेडिक्योर नहीं करवाएंगी? तुम मास्टर जी की लड़की हो ना, हम तुमसे ये छोटा काम कैसे करवाएं बिटिया? बाबूजी ने ही हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की ईमानदारी होनी चाहिए. और वैसे भी ये सब तो कला है. कला कभी पत्थर पे तो कभी कागज पर होती है. क्यों दीदी, हमने सही कहा ना? चाची जी, आप बातों में ना गौरी से कभी नहीं जीत पाएंगी. पता है, सुबह कॉलेज जाती है फिर यहाँ आती है, कॉलेज में भी फर्स्ट और यहाँ भी सब काम में एक्सपर्ट. अब तो हमें डर लगने लगा है कि कहीं बगल में दुकान ना खोल दे, हमें अपना पार्लर बंद करना पड़ेगा फिर. बहुत अच्छी बात है बिटिया, ऐसे ही लगन से काम करती रहो. तुम ना बहुत खुशकिस्मत हो जो मास्टर जी जैसे नई सोच वाले इंसान के घर पैदा हुई हो, वरना हमारी तरह तुम भी बस चूल्हे चौके में बदी रहती. ये बात आपने बिल्कुल सही कही चाची जी. मुझे भी लगता है कि एक दिन गौरी ना कुछ कमाल करेगी, देखना आप. रिक्शा. शास्त्री नगर चलोगे? एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका और आप एक रिक्शा पकड़ के निकल जाना चाहती हैं? खैर चलिए, आइए बैठिए, आपको बढ़िया चाय सिंगाड़ा खिलाते हैं. रिक्शा. अरे काहे हमारा शक्ल देखकर भमक जाती है मानो भूत देख लो जैसे. हाँ अच्छा, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपने भैया का इलेक्शन छोड़कर आ रहे हैं आपसे मीटिंग करने के लिए और तुम ओके भाव ही नहीं देती हमको. अरे काहे करती हो ऐसा यार, अरे काहे हमारा इतना इंसल्ट कर रही है. अच्छा कहो तो बाबूजी से बात करे का. हाँ लगन का टाइम चल रहा है, इस बार फिक्स कर देते हैं. बिल्कुल ही फिक्स कर लें, हमें पता है कहाँ पढ़ाते हैं वो. अरे जवाब तो दे दो. पूरा ललन टाप है यार, ना जाने क्या हो गया आजकल के लड़कों को. संस्कार और मर्यादा का पाठ भुलाकर रख दिया सुशांत जैसे लड़कों ने. छिछोरापन करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं. अरे लड़कों का छिछोरापन कोई नई बात तो है नहीं, आप क्यों इतने हैरान हो रहे हैं? अब आप पढ़ लिख गए तो आपको लगता है पूरा समाज बदल गया. पी लो चाय. अरे अब क्या जरूरत थी लड़की को ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए भेजने की है? हम आपको पहले ही मना किया रहे, अब लड़की लोग घर से बाहर जाएंगे तो लड़का लोग तो पीछे पड़ेंगे ही ना. दोनों बाप बेटी ने मिलकर हमें बदनाम बस भी करो, जो मन में आए बोलती जा रही हो. अब हमारा घर से बाहर जाना और सुशांत का हमें तंग करना, इसका क्या रिलेशन है? माँ अभी लोगों की वजह से क्या हम घर पे मुँह छुपा के बैठे रहे? हमारा तो मन करता है कि उसे खींच के एक चमाट देना कि उसकी अक्कल ठिकाने आ जाए.
दिमाग में गोबर भरा है क्या तुम्हारे? जानते नहीं हो सुशांत और उसके भाई कितने बड़े गुंडे हैं? पीछे पड़ गए ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं उनसे पंगे लेने की। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है गोरी, इस मामले को शांति से सुलझाना होगा। अब बहुत हो गया सुलझाना उलझाना, अब जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसे विदा कीजिए। कल ही वो भागलपुर वालों को बुलाकर उनको हाँ करिए रिश्ते के लिए और इसका शादी कर दीजिए, वरना ये गुंडे लोग पीछे पड़े रहे ना तो इसका शादी हो गया। क्या बात है अम्मा, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे आ गया बेटा। कुछ नहीं बेटा, घर की बातचीत चल रही थी, तू जाके हाथ मुंह धो। अच्छा अम्मा, आज तो दीदी पे फिर से गुस्सा रही थी ना। अरे बिटुआ, काहे तू घर गृहस्थी की बातों में घुस के अपना पढ़ाई बर्बाद करता है? ये सब तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। तू अपना तू सबका होमवर्क कर और हम तेरे लिए गरम गरम नाश्ता बना के राजा बाबू मेरा। बहुत अच्छा किया आज आप सुबह सुबह बाजार आ गए हमारे साथ, पूरा महीने का सामान याद करके ले आए हैं। अब आपको गर्मा गर्म चाय बना के पिलाते हैं बढ़िया सा। कितना शर्म का बात है, हमारे होते हुए आपको मेहनत करना पड़ रहा है। आइए हम इसको घर में रख देते हैं अंदर, इसका जरूरत नहीं है। अरे क्या है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बाबूजी? अरे आप अपने लोग हैं, आपकी सेवा करना ड्यूटी है हमारा। आइए अंदर चलते हैं। अम्मा जी राम राम। वो कहा है ना, दिल के अंदर एक बात था जो आपसे कह रहा था, लेकिन सुसरा इलेक्शन के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा, पूरा शहर में बोमा बोम हो रखा है। अरे अपना सरजू भैया ही जीतने वाला है इस बार का भी इलेक्शन हमेशा की तरह। हाँ तो अम्मा जी, बात ये था कि मतलब हमें लग रहा था कि जब भैया एक बार जीत जाएंगे ना तो ही आएंगे आपके घर हम लोग खुशखबरी लेकर। हाँ बहुत अच्छा बात है, अपने भैया को भी हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा। पर वो कहा है ना, हम भी थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, हमारी बिटिया की शादी की बातचीत चल रही है। अब तुम तो जानते हो शादी ब्याह में 100 काम होते हैं, एक बार शादी फिक्स हो जाए ना तो तुम्हें भी कार्ड जरूर भिजवाएंगे, जरूर आना अपने सरजू भैया के साथ। लाइए हमारा सामान दीजिए। मजाक अच्छा कर लेती आंटी, वेरी गुड आंटी, बहुत बढ़िया। देखिए मजाक ना बढ़िया होता है सेहत के लिए, लेकिन एक बात कह दे रहे हैं आप, हमारी जिंदगी से अगर फन छीनने की कोशिश की ना तो मजाक बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हारी सेहत पे। बाबर जानते हो ना हमारा शहर में। खैर बढ़िया है, तैयारियां कीजिए जम के। पर हाँ ये दूल्हा वूल्हा देखना छोड़ दिए, दूल्हा हो चुका है फिक्स, सुशांत सिंह यादव। लीजिए आपका सामान, हम भी बारात लेकर आते हैं। बस जी आज ही पत्रिका मिलवाकर पंडित जी से इसी महीने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो नवीन का बड़ा भाई दुबई से आया है और उसके रहते ये शुभ काम हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। राजेश जी के लिए उपहार लाए रहे, वो लेके आओ जरा। दीदी लड़का इंजीनियर है और सरकारी नौकरी भी करता है, ये सब कुछ एकदम जल्दी हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि हमारे सपनों का क्या होगा। इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है गौरी, इसमें इस लड़के को तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझ के ही चुना होगा ना, और ये लड़का मुंबई का है, पढ़ा लिखा है, तो आई एम श्योर कि वो नई सोच का भी होगा। सब लड़के एक जैसे नहीं होते गौरी, और हो सकता है कि राजेश अच्छा लड़का हो, है ना? हाँ दीदी शायद आप सही बोल रही हैं। आप तुम्हारी तरह तुम्हारे परिवार वाले भी ना समझने के लिए ना इतने प्यार से समझा, उसको लगता है सीरियसली नहीं लिया वो हमको। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, छोड़ो। ए, ब्यूटी पार्लर अपनी जबान बंद रख समझी, वरना जिंदगी भर ऐसी कुटाई करेंगे ना तुम्हारी, लाली पाउडर नहीं लगा पाओगे जिंदगी भर समझी। तुम प्यार किया तुमसे हम, टाइम इन्वेस्ट किया हम, मसाला कोई और तुमसे शादी करेगा क्या? ये जो गलती कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप ने, वो खुद सीधा करेंगे अपने तरीके से, सीधा करें उसको बताओ। अरे प्यार करते हैं तुमसे हम, अरे जहाँ तुम चुप रहती हो ना तुम भी कहीं ना कहीं हमसे प्यार करती हो, बताओ प्यार करती हो हमसे? अरे बताओ गौरी प्यार करती हो हमसे? प्यार करती हो नहीं करती मुझसे तुम गौरी?
क्या किया? चल यहाँ से। बाहुबली सरजू यादव के छोटे भाई ने लड़की से छेड़छाड़ करने पर खाया सरेआम तमाचा। वाह, बहुत नाम रोशन कर रहे हो, दिल तो भागो भाग हो गया। अगर इतनी ही तुम्हारी जवानी फूट रही है तो हमें बताइए ना, हम इंतजाम किए देते हैं। ये क्या लौंडियों से थप्पड़ खा रहा है भाई? हमारी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बनी बनाई को क्यों बाजार में उछाल रहे हो? वो भैया बस आप तो चुप ही रहिए। अगर अभी भी मन नहीं भरा ना तो जाइए, दो चार थप्पड़ अपने मुंह पर और मरवा लीजिए। वाह, बहुत नाम रोशन कर रहे हो, दिल तो भागो भाग हो गया। अगर इतनी ही तुम्हारी जवानी फूट रही है तो हमें बताइए ना। दीदी, आजकल हमारा मन बहुत ज्यादा उदास रहता है। क्या हुआ? कुछ भी करने का मन नहीं करता। आज 2 दिन हो चुके हैं और माँ ने हमसे अभी तक बात नहीं करी है। माँ को अभी ऐसे लगता है कि हमें सुशांत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो दीदी, ऐसे में हम अपना बर्थडे कैसे मना सकते हैं? अरे ऐसे कैसे बर्थडे नहीं मनाना, जिंदगी में खुशी के मौके वैसे भी बहुत कम आते हैं, उन्हें ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, और सुशांत के लिए तो बिल्कुल नहीं, समझी? थैंक यू दीदी, आज आपकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कान तो आई। कोई बात नहीं, एंजॉय योर डे। थैंक्स दीदी, बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे तुम क्यों समझ नहीं रहे हो, ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है। अरे इसकी शादी होने जा रही है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? देखो मैं जानती हूँ उस दिन इसने तुम पे हाथ उठाया था, पर थोड़ी घबराई हुई थी ये। पर मेरा यकीन मानो, इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई पैर नहीं है। बस सब भूल जाओ और प्लीज खत्म करो सब। वही करने आए हैं, सब खत्म। कल से चेहरा भी नहीं देखेंगे इसका। अरे हम क्या, इस गली का भी नहीं इसका चेहरा देखेगा। ए गौरी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ हमारे सामने हुआ। सुशांत ने जो तेजाब गौरी के चेहरे पे फेंका था, उसके छींटों ने हमारे हाथ को भी जला दिया। देखिए, और क्या सबूत चाहिए आपको कंप्लेन दर्ज करने के लिए, बताइए। देखिए मैडम, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, पर हमारी बात भी मानिए और ये रिपोर्ट का चक्कर छोड़ दीजिए और अपनी लड़की के इलाज पे ध्यान दीजिए। और जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया है, क्या उसे ऐसे ही खुला घूमने दे? देखिए प्रोफेसर साहब, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, और इस तरह कंप्लेन दर्ज कराना बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल। और सिर्फ एक गवाह के चलते हम किसी पर भी इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते हैं ना? और एसिड तो इससे भी हर घर में इस्तेमाल होता है प्रोफेसर साहब, आपके पार्लर में भी होता होगा, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट का चक्कर छोड़ दीजिए और अपनी बेटी के इलाज पर ध्यान दीजिए, कहीं उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। हम मीटिंग करा देंगे सुशांत से और सरजू भैया से, आमने सामने बात भी करा देंगे आपकी। फिलहाल आप बेटी पर ध्यान दीजिए, चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया कैसी है? ठीक तो हो जाएगी ना? दया शंकर जी,
आप अपने दिल को मजबूत कीजिए। आपकी बेटी को हम बचा तो लेंगे, लेकिन उसका पूरी तरह से ठीक होना इम्पॉसिबल है। उसके लेफ्ट साइड का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है। ये तो शुक्र मानिए इनका, ये आपकी बेटी को समय पर हॉस्पिटल ले आई और जख्म पर लगातार पानी डालती रही, जिसकी वजह से एसिड का असर कम हुआ है। आपकी बेटी के जख्म बहुत ही गहरे हैं, ठीक होने में काफी समय लग सकता है और सर्जरीज की भी जरूरत पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, हे गौरी, इंजेक्शन रेडी करो। मैं जानता हूं कि तुम तकलीफ में हो, कल तुम्हारा तीसरा ऑपरेशन है, उसके बाद में तुम बेटर फील करोगी। सर, एक महीने से हर रोज आ रहे हैं हम, लेकिन एक कंप्लेन भी हमारी कोई नहीं लिख रहा। एक तो हमारी बिटिया के साथ इतना बड़ा हादसा। अरे प्रोफेसर साहब, कितने बार हम समझाएं आपको, हाँ? अभी हम बिजी हैं, इलेक्शन में। हम आपका केस देखेंगे ना इलेक्शन के बाद। आप बैठिए, तनिक चाय वाय पीजिए। सर मेरी बात। अरे बैठिए तो। सर मेरी बात। हाँ मिश्रा को बोल दे उठा लेगा वहां से सारे के सारे डब्बे, ठीक है? मत करना यार, फिर छोड़ दो उसको। भैया एक दिन ज्यादा वोटिंग बोल, क्या खबर है भैया? लड़का उन तो बहुत मजा कर रहे हैं, सरजू भैया के अलावा तो किसी और के नाम पे वोट डाल ही नहीं रहे। इतनी भी वोट मत डलवा देना कि हमारी जीत पे शक होना शुरू हो जाए। चलिए चलो। क्या लग रहे हो टीवी पे? इस कमरे में एक भी आईना नहीं है। आज 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें हमारा चेहरा नहीं देखने दिया। बस एक बार हमें हमारा चेहरा दिखा दीजिए, हमें देखना है कि हमारा चेहरा कितना ठीक हुआ है। भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। सरजू भैया, आज तो जश्न का दिन है, सुखी सुखी मिठाई खिलाओगे या अलग भी खिला कराओगे? ए सुशांत, आज इतनी बोतलें खुलवा कि पीने वाला गिनता रहे, लेकिन शराब खत्म नहीं होनी चाहिए।
नमस्ते जी। गौरी कैसी है अभी? मेरी बेटी एक जिंदा लाश बन के रह गई। जिस दिन से उसने अपना चेहरा देखा है, तब से ना किसी से बात करती है ना किसी की बात का जवाब देती। जिंदगी से बहुत निराश हो गई है मेरी। आपको तो बहुत मानती है, समझाइए ना उसे। ठीक है आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझाती हूँ उसे। आप अपना ध्यान रखिए। गौरी कैसी हो तुम अभी? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो अभी, लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई उम्मीद जरूर देगा। बस तुम्हें उस उम्मीद को ढूंढना होगा। दीदी क्या ये वही उम्मीद है जिस चेहरे को देखकर आप अपनी नजरें चुरा रही हैं? हमें इस चेहरे के साथ जीने के लिए बोल रही हैं। चित्रा दीदी बोलो, बोलो चित्रा दीदी बोलो। चाय पियेंगे मास्टर जी? सुना है पिछले 2 महीने से आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं, काहे परेशानी है? उल्टा इंस्पेक्टर साहब को भी आपने तंग कर दिया है। अरे समझ रहे हैं हम आपकी बात को कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। इका मतलब ई थोड़ा ना है कि आप दुख में अंधे होके किसी निर्दोष के ऊपर अपनी उंगली उठाए। निर्दोष? आपके भाई ने मेरी बेटी पर एसिड फेंका है, आप उसे निर्दोष कह रहे हैं? आई विटनेस है हमारे पास। मास्टर जी आपने तो वकालत शुरू कर दी, कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं आप? इंस्पेक्टर साहब देखिए, इनके पास आई विटनेस है, एक भी कंप्लेंट अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, और ये है कि बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं। काहे? तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको उसके किए की सजा तो मैं दिलवा कर रहूंगा। देखिए मास्टर जी, सुशांत हमारा छोटा भाई नहीं है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, बेटे की तरह पाला है हमने उसे। और एक बाप और बेटे का क्या रिश्ता है ये तो आप अच्छे से समझते हैं ना? आपका भी एक छोटा सा मुन्ना है ना, 8वीं में पढ़ता है, जिसको आपने स्कूल जाने के लिए नया साइकिल लेकर दिया है ना? सही कह रहे हैं ना? देखिए मास्टर जी, अब मैं घुमा फिरा के तो बात करूंगा नहीं, आपका नुकसान हुआ है लेकिन उसका हर्जाना भरने के लिए बैठे ना हम। अब देखिए हम विधायक किस लिए बने हैं, आपकी बेटी का जो फंड है उसका इंतजाम हो जाएगा, और रही बात घर बार की उसका भी बंदोबस्त हो जाए। बस अब एक बात ध्यान रखिए, आप ना अपनी फैमिली को यहां से कहीं दूर ले जाइए, समझ रहे हैं ना? दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कीजिए ना, आप बेकार में कानूनी लफड़े में पड़े हुए हैं। सही कह रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब? अरे सही कह रहे हैं सर जो भैया, मैंने कहा था ना हमारे विधायक जी बहुत बड़े दयावान हैं, अब देखिए ना कैसे बीच का रास्ता निकाले हैं, दोनों पार्टी का प्रॉफिट है ना। प्रोफेसर साहब आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से ना अपना सामान पैक करा लीजिए। हाँ चलिए, अच्छा भैया चलते हैं, प्रणाम। आओ मिश्रा को बोले उठा लेगा वहां से सारे। अरे चलो बोला ना। ए सुशांत, मास्टर जी को प्रणाम तो कर। प्रणाम मास्टर जी। चलते भैया। कितने लाचार बाप हैं हम जो अपनी बेटी को इंसाफ तक नहीं दिला सकते। देखो जी, अब कोई भी इंसाफ हमारी बेटी का चेहरा तो वापस नहीं ला सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लेना, इन बड़े लोगों से कभी ना जीत पाएंगे। अब गौरी के साथ जो होना था हो गया, पर अब
मुन्ना की जिंदगी हम खतरे में नहीं डाल सकते जी, कभी नहीं डाल सकते। गुंडे लोगों का क्या भरोसा, कल को बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखो जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। गौरी बेटा कैसी हो? पापा कुछ पता चला क्या? पुलिस ने पकड़ा सुशांत को? डॉक्टर ने कहा है कि तेरा बाकी का इलाज इस शहर में मुमकिन नहीं, उसके लिए दिल्ली जाना होगा और वहाँ मुन्ना की बाकी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी हो जाएगी, उसके लिए अच्छा रहेगा। दिल्ली? गौरी बेटा मैंने सोच लिया, तेरे डिस्चार्ज होने के बाद हम चारों इस शहर को छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पापा। बेटा तुम आराम करो। इसके ऊपर रख लो। अरे ध्यान से भैया, कांच का है वो सामान, टूट जाएगा। दूसरे वाला भी ले आओ। ध्यान दो ना थोड़ा उधर। बोल तो रहा। तो आप बदल लिए पापा, लेकिन हमारी ये बदसूरती जो हमारे साथ यहाँ चली आई है उसे आप कैसे बदलेंगे? हमें तो यहाँ भी सब देखकर भागते हैं। बेटा इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा अब। क्यों पापा, हम अपना चेहरा क्यों छुपाएं? जो गलती हमने की ही नहीं है उसकी सजा हम क्यों भुगतें? उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने हमारे साथ ये सब कुछ किया। अब बस करो गौरी। अरे समाज ने लड़कियों के लिए जो कायदे कानून बनाए हैं ना, उनका कोई मतलब होता है, पर तुम तो कभी समझोगी नहीं। अगर तुम सुशांत को थप्पड़ ना मारती ना, तो आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ता। अब बड़ी मुश्किल से हम सब लोग हिम्मत कर रहे हैं नया जिंदगी जीने का। तुम भी अब तुम ये अपना झांसी की रानी वाला राग ना फिर से ना शुरू करो। कमजोर नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे अपना ये दर्द किसी के साथ साझा करना पड़ेगा, किसी को अपनी आप बीती सुनानी ही पड़ेगी।
हेलो, क्या आप सच में हमारी मदद कर सकते हैं? कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ मिस गौरी, पर हमें अब और नहीं जीना। अगर आपको और नहीं जीना होता गौरी, तो आप यहाँ पर कभी फोन ना करती। प्लीज फोन मत काटिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रही हैं वैसा मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन लाइफ इतनी खूबसूरत है कि इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जाती। आप हमें नहीं जानते ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो फिर बताओ अपने बारे में। हे गौरी, थैंक यू वेरी मच गौरी, मुझे अपनी स्टोरी बताने के लिए। हम कितने दिनों से इस दर्द को अपने अंदर दबाकर बैठे हुए थे, घुट घुट कर जी रहे थे हम। आज तुमने पहला कदम उठाया है अपनी नई जिंदगी की तरफ। थैंक्स हमें सुनने के लिए। आपको जब भी काउंसलिंग की जरूरत है आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमसे नहीं होगा, हम कैसे फेस करेंगे इस दुनिया को इस चेहरे के साथ? तुमको ये दूसरा कदम आगे बढ़ाना ही होगा गौरी, तुम्हें खुद को एक और मौका देना ही होगा। हाँ, हम ये मौका डिजर्व करते हैं। शायद हमारी माँ ठीक कहती है, हमें सुशांत की बदतमीजी को चुपचाप रहकर सहन कर लेना चाहिए था। हमें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि हम एक लड़की हैं। हमें चुपचाप रहकर दबकर ही रहना चाहिए, वरना समाज में हमारी ही तरह हर लड़की को यही सजा मिलेगी। उनके शरीर को, उनकी आत्मा को जलाकर खाक कर दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा इस भीड़ में अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए। ये कैसी जिंदगी है परितोष जी, जिसे अब जीने का मन नहीं करता। गौरी, लाइफ इज फनी। हमें जब भी लगता है ना कि हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं बची, तभी बूम, या फिर हम खुद कोई नई वजह ढूंढ लेते हैं जीने के लिए। कहना बहुत आसान है पारितोष जी, लेकिन जीना उतना ही मुश्किल। और अब तो कोई वजह भी नहीं बची है हमारे जीने की। एक मिनट गौरी, तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की थी? तुम्हें पता है जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तब हर एक सोल्जर की तरह इस देश के लिए जीने मरने की कसमें खाई थी। तब मुझे पता नहीं था कि लाइफ मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देगी। तब सोचता था कि इस जिंदगी से अच्छा तो देश के लिए शहीद हो गया होता। पूरा टाइम गुस्सा आता था लाइफ पर, लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई थी मेरे लिए। तब मैंने बस अपनी जान लेने की ठान ली, और तभी मौत के इतने करीब पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे जिंदा रहने का कोई तो मकसद होगा, कोई तो मतलब होगा, कोई तो मिशन अभी भी बचा होगा जिसे मुझे पूरा करना है। किस्मत से लड़ना हर किसी के बात नहीं पारितोष, और मैं बहुत कमजोर हूँ इसके लिए। कमजोर होती तो यहाँ ना बैठी होती। पर मुझे करना क्या होगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? ऐसे तो नहीं, लड़ना होगा तुम्हें, फिर देखो कैसे बदलती है तुम्हारी जिंदगी। अपनी बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन कर स्ट्रांग बनाना होगा। पर कैसे? Come on, Gauri! Come on! Get up, Gauri! Come on! इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से। Come on, Gauri! Come on! पर हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। ये दर्द ही है जो हमें जीतने की स्ट्रेंथ देगा गौरी। Come on, be strong.
आई नो यू कैन डू दिस. ये आर्मी की ट्रेनिंग ही है जिसने मुझे जीने की हिम्मत दी. और स्टैंड अपने लिए, अपने हक के लिए. चल फिनिश कर. गुड, कम ऑन. सर कहां से लेके आए इतनी हिम्मत? ना कानून ने, ना हमारे घर वालों ने हमारा साथ दिया. बुजदिलों की तरह जीने से तो अच्छा है एक बहादुर की मौत मरना. पर सर हम क्या करें? एक कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होगा, तब उसे हरा पाओगे. नाउ गेट अप, खड़े हो. अंदाज है तेरा बेफिकर मौज तू, ये अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है. उड़ जा अब तेरी. क्योंकि एक बात कहना है तुमसे, प्यार करने लग गए हम तुमसे. हाय, तुम लड़कियां जब ऐसा शर्मा जाती हो ना, हमारे बदन में पूरा झुलझुली सा हो जाता है. बड़ा मजा आता है हमको. हाँ सर, लेकिन आपने तो बोला था ना मुझे घर ड्रॉप करेंगे आप. अरे तो हमसे काहे डर रही हो, काहे घबरा रही हो तुम हमसे? हाँ क्या प्रॉब्लम है सर? लेकिन सर मुझे घर जाना है. अरे सुनो तो, ये प्यार मोहब्बत का ना ट्राई किए थे हम, सुधार है ही नहीं हमारे सिस्टम, समझी? तुम समझो ना हमारी बात, काहे नहीं समझ रही हो. अरे कौन है यार? रे कौन है? रे बचो. अरे कौन है रे? हैं गाइटर से झाड़ रहा है साला. ऐसा चर्बी उतारेंगे ना तुम्हारा, हम जानते नहीं हो कौन है हम. सुशांत सिंह यादव. गौरी, ए गौरी खोलो हमको, ए गौरी. तुम्हें क्या लगा कि ऐसे डालकर भाग जाओगे तुम और कहानी खत्म? नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे. अभी तो तुमको हमसे शादी करनी है ना, करोगे ना हमसे शादी? हाँ बोलो. तुम तो हमसे प्यार करते हो ना, करते हो ना प्यार हमसे? साला तुम कौड़ी का औकात है तुम्हारा. बाप तुम्हारा हमारे घर पे आके भीख मांग रहा था, तुम बाहुबली बनती फिर रही हो यहाँ पर. हाँ बाहुबली बनने का ठेका सिर्फ तुम लोगों ने ही लिया है ना, जो मन में आया वो कर दिया. हाँ अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते, शादी तो तुमको हमसे ही करनी पड़ेगी. क्या हुआ, क्या हुआ? क्या तुमको हम अब खूबसूरत नहीं लगते? ये चेहरा तो तुमने हमें दिया है ना. हाँ बोलो, अब पसंद नहीं आया क्या? अब इसे बदलने के लिए हम क्या करें बोलो? हम ना एक काम करते हैं, हम तुम्हारा चेहरा भी एकदम ऐसे कर देते हैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएंगे. क्या बोलते हो? हाँ खराब हो गया क्या गौरी? क्या बोल रही तू ये? क्यों, ये पागलपंती करने का हक सिर्फ तुम्हें ही दिया सरजू भैया ने? भूल रही है क्या कौन है हम लोग? हाँ सरजू भैया को पता चला ना, जान निकाल लेंगे तुम्हारे. अब बोल हमको खोल. तो हम भी कौन सा जी रहे हैं, मरने से पहले हम भी देखना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि तुम भी महसूस करो कि कैसे एसिड तुम्हारे चेहरे को जलाकर हड्डियों तक पहुंचता है और तुम्हारे दिल और दिमाग को राख कर देता है. ये गौरी कहाँ जा रही है? तुमको खोलो अब. अरे अरे खोलो हमको यार. क्या है ये गौरी? गौरी दूर है हमसे, गौरी इसको खोलना मत, बता रहे हैं तुमको गौरी.
गौरी, गौरी हमको माफ कर दे गौरी, मैं तो थप्पड़ मारी थी हमको गौरी, सबको गुस्सा आ गया था गौरी, तो माफ कर दे गौरी। तुम अब तक समझ नहीं पाए सुशांत, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने एसिड इसलिए फेंका था कि हमने तुम्हें थप्पड़ मारा था, पर तुमने एसिड इसलिए फेंका था ताकि तुम किसी भी लड़की की जिंदगी के साथ खेल सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, पर ये तुम्हारा मिस्टेक है। तुम कह रहे हमको माफ कर दो गौरी, हमको छोड़ दो ना। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ बता ना क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? ये तो सिर्फ पानी था, तूने हमारा चेहरा तो जला दिया लेकिन हमारा जमीर नहीं मिटा पाया। हम किसी भी इंसान के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान तुम जैसा कि नौना क्यों ना हो। उसको माफ कर दो गौरी, तो बहुत बड़ी गलती हो गया गौरी, हमको माफ कर दो। नहीं फेंकना चाहिए था तुम पे एसिड गौरी, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ते गौरी, हमें जाने दो गौरी, तो बहुत बड़ा गलती हो गया गौरी। सजा तुझे गौरी नहीं कानून देगा, पर यहां से बाहर निकलकर अगर तूने अपना स्टेटमेंट बदला तो याद रहे मैंने तेरा कन्फेशन इस कैमरा पर रिकॉर्ड कर लिया। अब तेरी भलाई इसी में है कि यहां से बाहर निकलकर पुलिस को सरेंडर कर दे। भाई ने एसिड अटैक के मामले में किया सरेंडर। सरजू यादव को भी अपने भाई के क्राइम को कवर अप करने के लिए किया गया अरेस्ट। थैंक्स पारितोष हमें सिखाने के लिए कि खूबसूरती भारी चेहरे में नहीं बल्कि हमारे अंदर हमारे दिल में होती है। एसिड अटैक्स आर वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ किसी की बॉडी को डैमेज नहीं करते, इट स्कार्स अ पर्सन्स सोल। कितना आसान है किसी पे एक बॉटल एसिड फेंक देना बिना ये सोचे कि उसके विक्टिम पे क्या बीतेगी। मुझे तो लगता है कि एक मर्डर से भी बड़ा क्राइम, क्योंकि इवन दो यू आर नॉट किलिंग द पर्सन बट इट्स अ कावर्डली अटेम्प्ट टू मेक दैट पर्सन लीड अ डेड लाइफ। एक डिस्फिगर्ड चेहरे को लेके सोसाइटी को फेस करना, उनके रिएक्शन को टॉलरेट करना, यह आसान नहीं। इसके लिए बहुत करेज की जरूरत है और गौरी जैसी ब्रेव लड़कियां ये प्रूव करती हैं कि सिर्फ उनके चेहरे को डिस्फिगर करने से कोई उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी डिग्निटी उसे छीन नहीं सकता। आई सल्यूट द करेज ऑफ सच गर्ल्स जो इतने डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स को भी अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ बनाती है। इफ यू ऑल्सो नो सच स्टोरीज ऑफ करेज और आप उन्हें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यूज द हैशटैग ए जिंदगी on facebook.com/zingtv or twitter/zingtv. I'm your host Namik Paul and I'll see you guys next week. Kabhi toofan hai, kabhi khamosh hai, kyun tu itni pareshan hai ae zindagi, apni hi जिंदगी।